असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट मतलब कोई वैल्यू हम दूसरे किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं तो उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कह देंगे। अब यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जिनको एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पहले इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पर जैसे किसी प्रोग्राम के कुछ पार्ट लिखे हैं, तो इंट नम वन, नम वन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, नम वन इक्वल टू नम वन प्लस फाइव लिख दिया या नम वन प्लस इक्वल टू फाइव लिख दिया, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। ये लिखने के दो तरीके हैं, पहला असाइनमेंट ऑपरेटर नम वन की जो भी वैल्यू है उसमें फाइव ऐड कर दो, दूसरा भी वही कर रहा है। यहाँ पर पहला जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंपलेस्ट एग्जांपल है। प्लस इक्वल टू ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये नम वन को क्या असाइन करेगा तो इसकी पुरानी वैल्यू में फाइव ऐड करके असाइन कर देगा, मतलब काम ऊपर वाला ही करेगा। और इस तरह से जो ऑपरेंड के राइट में जो लिखा है, मतलब जो प्लस इक्वल के राइट साइड में ऑपरेंड लिखा है, जो वैल्यू लिखी है वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में ऐड करके उसको ये असाइन कर देगा, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। इस तरह से हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं उसकी फॉर्म क्या होती है, वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल ऑपरेटर एक्सप्रेशन, मतलब वेरिएबल इक्वल टू जो भी वेरिएबल है वो बाद में ऑपरेटर, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने प्लस देखा और बाद में उसमें क्या ऐड करना है वो, इसी को हम दूसरा प्लस इक्वल सी प्रोग्राम में लिखें तो नम इक्वल टू नम वन प्लस फाइव, यहाँ एक्सप्रेशन के रूप में फाइव लिखा है, हम कोई और लंबी एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। इसी को हम कह रहे हैं कि यहाँ जो प्लस है उसकी जगह हम माइनस, स्टार, स्लैश या परसेंटेज कुछ भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे जो भी अपने पास ऑपरेटर्स हैं। दूसरा इसका लिखने का तरीका है वेरिएबल ऑपरेटर इक्वल टू, यहाँ ध्यान रहे ऑपरेटर और इक्वल टू में भी स्पेस नहीं आना चाहिए, यहाँ स्पेस इग्नोर नहीं किया जाएगा, सी प्रोग्राम में बहुत जगह स्पेस इग्नोर किए जाते हैं, यहाँ इग्नोर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये कंबाइंड एक ऑपरेटर, ऑपरेटर और इक्वल टू का साइन, ऑपरेटर में प्लस माइनस स्टार जो भी है। और सी प्रोग्रामिंग में इसको कैसे लिखेंगे, तो ये दो जो नम इक्वल टू नम वन प्लस फाइव लिखा था इसी को यहाँ पर नम वन प्लस इक्वल टू फाइव लिख देंगे। यहाँ पर और कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं उनको देखें, तो और ऑपरेटर्स हैं जैसे प्लस इक्वल टू, तो यहाँ कुछ वैल्यूज लिए हैं, जैसे इंटीजर डिक्लेयर किए हैं सी डी ई एफ जी को, सी की वैल्यू थ्री लिया, डी की वैल्यू फाइव, ई की फोर, एफ की वैल्यू सिक्स एंड जी की वैल्यू ट्वेल्व है। सी का मान तीन, डी का मान पाँच, ई का मान चार, एफ का मान छः और जी का मान ट्वेल्व, बारह है। और अब इसको हम देखें कौन सा ऑपरेटर क्या करता है, तो जैसे हम प्लस इक्वल टू ऑपरेटर की बात करें तो इस तरह से लिखा जाएगा सी प्लस इक्वल टू सेवन, जैसे सी है उसके साथ हम उसमें हम सेवन ऐड करना चाहें तो सी प्लस इक्वल सेवन, उसी को हम सी इक्वल टू सी प्लस सेवन भी लिख सकते हैं। ये क्या करेगा, सी की पुरानी वैल्यू तीन थी उसमें सात ऐड कर देगा, दोनों ही ये एक ही काम करेंगे, सी को टेन असाइन कर देंगे। माइनस इक्वल, माइनस इक्वल को डी माइनस इक्वल फोर इस तरह से लिखेंगे, इसको डी इक्वल टू डी माइनस फोर भी लिख सकते हैं, और ये डी की पुरानी वैल्यू फाइव थी उसमें से चार कम कर देगा, मतलब डी की वैल्यू वन कर देगा, मतलब डी को वन असाइन कर देगा। स्टार इक्वल ई, स्टार इक्वल इक्वल टू फाइव, ई की वैल्यू फोर थी उसको फाइव से मल्टीप्लाई कर देगा, ई इक्वल टू ई स्टार फाइव भी, ई को फाइव से मल्टीप्लाई करेगा और वैल्यू हो जाएगी ई को ट्वेंटी मिल जाएगी, ई की वैल्यू ट्वेंटी हो जाएगी। स्लैश इक्वल, स्लैश इक्वल क्या करेगा, जैसे यहाँ एफ स्लैश इक्वल थ्री कर दिया तो एफ की वैल्यू सिक्स है तो सिक्स को तीन से डिवाइड कर देगा, मतलब एफ की वैल्यू टू हो जाएगी। इसी तरह से परसेंटेज इक्वल, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, तो जैसे यहाँ जी की वैल्यू ट्वेल्व है, जी परसेंटेज इक्वल नाइन लिख दिया तो ट्वेल्व का नाइन के साथ रिमाइंडर लेने पर हमें क्या मिलता है, थ्री मिलता है, तो जी को थ्री असाइन